कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा ना हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है? विधेयक पेश हुआ नहीं है तो राजनीतिक उन्माद का लोग दिमाग में ला रहे हैं। जब विधेयक पेश होगा तब ना बताएगा भाई, अभी न उसको पढ़े हैं, न सुने हैं, न देखे हैं। आप प्रवचन विपक्ष के लोग देना शुरू कर संवैधानिक तरीके से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे ये बिल हमारे खिलाफ आते रहेंगे। इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए वक्फ के अंदर संशोधन किए गए और उसे अच्छा बताने के लिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा तो नहीं हो पाया लेकिन कुछ के लिए अच्छा दिखाने के लिए बहुतों के लिए बुरा हो गया। बजट सत्र के दौरान पहले जातीय जनगणना पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा, लेकिन अब देश भर में एक और शोर सुनाई दे रहा है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की खेमाबंदी शुरू हो गई है। हंगामा इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट के संशोधन वाला एक नया बिल लेकर आ सकती है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड से जुड़ा ये जो नया बिल लाने वाली है, इस बिल में किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने वाली शक्तियों पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 2 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन और बोर्ड की संरचना में बदलाव मुमकिन है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव हो सकते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव हो सकते हैं। राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का फिर से सत्यापन किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट के कुछ क्लॉज को भी हटाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है। मोदी सरकार में 5 अगस्त की तारीख विशेष महत्व रखती है क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया गया था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी द्वारा किया गया था। ऐसे में 5 अगस्त से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। कल 5 अगस्त को केंद्र की मोदी जी की सरकार एक बार फिर से विवादित मुद्दों का बिल संसद में पेश करेगी। वक्फ बोर्ड एक्ट का बिल पेश करने जा रही है, इसमें बदलाव की तैयारी है, कई संशोधन किए जाएंगे। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा ना हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। अब जो केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल हैं जिनके दम पर सरकार है, जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, उनको बताना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। हम लोगों की सुविधा के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत अगर हिंदू देवी देवता का मंदिर है और मठ की जमीन है तो इसके बारे में भी राज्य सरकार ने तय किया कि अब महंत जी के नाम पर जमीन नहीं रहेगा बल्कि वह देवी देवता के नाम पर जमीन रहेगा, तो निश्चित रूप से इससे विवाद घटेगा। विधेयक पेश हुआ नहीं है तो राजनीतिक उन्माद का लोग दिमाग में ला रहे हैं। जब विधेयक पेश होगा तब ना बताएगा भाई, अभी न उसको पढ़े हैं, न सुने हैं, न देखे हैं। आप प्रवचन विपक्ष के लोग देना शुरू कर दिए। न सिर्फ सियासी गलियारों में खेमेबंदी शुरू हो गई है बल्कि मुस्लिम उलमा भी इस बिल के खिलाफ अभी से उतर आए हैं। अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है, कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो हैं मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है कोई बिल ये लेकर नहीं आए। संविधान ने हमें इजाज़त दी है उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। किसान आए, उन्होंने आंदोलन किया, बिल वापस हो गए। अगर हम भी संवैधानिक तरीके से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे ये बिल हमारे खिलाफ आते रहेंगे।
इसलिए संवैधानिक तरीके से बगैर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हमें इन बिलों की मुखालफत करनी पड़ेगी, नहीं तो और भी ज्यादा बिल इससे सख्त बिल हमारे खिलाफ आ सकते हैं। बिल के समर्थन और विरोध के बीच जानना जरूरी है कि वक्त दरअसल होता क्या है। वक्त उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्त वोट के तहत आती है। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा वक्त में वक्त बोर्डों के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं, यानी कि वक्त बोर्ड की संपत्ति करीब 9.4 लाख एकड़ है। साल 1954 में नेहरू सरकार के वक्त वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 के जरिए इस संपत्ति के रखरखाव का काम किया जाता है। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन होता गया। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को और ज्यादा अधिकार दिए थे।